नमस्कार, नेट नेट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन का एक साल पूरा हो गया, लेकिन साफ तौर से राकेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन अभी लंबा चलेगा, क्योंकि सरकार अभी तक कोई कदम नहीं उठा रही है। वहीं दूसरी ओर जहां आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने कहा है कि जिस प्रकार सिद्धू बयान दे रहे हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, आम आदमी पार्टी पर जो प्रहार कर रहे हैं, ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि वो नेताओं के राखी सावंत हैं। चलिए देखते हैं खास रिपोर्ट। किसान आंदोलन का एक साल पूरा हो गया है। वहीं राकेश टिकैत ने साफ तौर से कह दिया है कि किसान आंदोलन अभी बहुत दिन चलेगा, जी क्योंकि सरकार कुछ भी करने वाली नहीं है। और दूसरी ओर ऐसा लगता है कि पूर्व क्रिकेटर और बिग बॉस प्रतियोगी से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू को तुच्छ और निरर्थक टिप्पणी करने की कला में महारत हासिल है। जहाँ दोस्तों, ये हम नहीं कर रहे, ये आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पंजाब के सहप्रभारी राघव चड्ढा ने कहा है। उन्होंने कहा है कि नवजात सिद्धू को फटकार लगाई है, साथ में उनकी घटिया हरकतों के लिए उन पर निशाना साधा है। राघव चड्ढा ने सिद्धू को पंजाब की राजनीति पर राजनीति का राखी सामंत बताया है। उन्होंने कहा कि सिद्धू को कांग्रेस आलाकमान ने कैप्टन अमरिंदर खिलाफ लगातार बयानबाजी करने पर डांटा और फटकार लगाई है, इसलिए नवजोत सिद्धू ने थोड़ा बदलाव करने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ दिन बाद सिद्धू फिर से कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ बयानबाजी करते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। राघव चड्ढा ने ट्विटर के जरिए नवजोत सिद्धू की आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गलत सूचना फैलाने पर खिंचाई की है। विधायक राघव चड्ढा ने ट्विटर पर लिखा है कि पंजाब की राजनीति में राखी सावंत सिद्धू को कांग्रेस आलाकमान ने कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने पर और फटकार लगाई है, इसलिए थोड़े बदलाव के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ दिनों तक इंतजार कीजिए, वो पूरे शिद्दत के साथ कैप्टन के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू करेंगे। राघव चड्ढा ने पंजाब कांग्रेस प्रमुख सिद्धू को दिल्ली सरकार के बारे में गलत सूचना फैलाने पर मुंहतोड़ जवाब दिया। सिद्धू ने झूठा वादा किया था, दिल्ली सरकार ने 3 कृषि कानूनों को अधिसूचित किया था। दिल्ली से मानवेंद्र की रिपोर्ट। जिंदाबाद दुनिया के मजदूर किसानों, एक हो एक हो। दुनिया के मजदूर किसानों, एक हो एक हो। तीनों काला कानून कृषि का वापस लो, वापस लो, वापस लो। कृषि का तीनों काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। इंकलाब जिंदाबाद। जहाँ दोस्तों, तो आपने देखा ये खास तौर से जहां सिद्धू कहा जा रहा है कि किसानों के राखी सावंत हैं, वहीं अभी राकेश टिकैत भी जमे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होता वो घर नहीं जाएंगे। बने रहिएगा मेरे साथ, हम आपके लिए लगातार ये खबर लिखाते रहेंगे। नमस्कार।